अभी हम खड़े हुए हैं ठरका ग्राम में, जहाँ पे जो है बीमारी पानी के पीने से, जो है दूषित पानी पीने से डायरिया नाम की बीमारी यहाँ पे फैल चुकी है। कल रात से यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ 30 से 35 लोग जो है जिला मुख्यालय में एडमिट हैं, जिनको जो है उल्टी और दस्त की शिकायत कई दिनों से चल रही है। और बताया जा रहा है, गांव के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहां दूषित पानी पीने के कारण जो है ऐसा हो रहा है। और अधिकारी आ चुके हैं, सारे अधिकारी सारे कर्मचारी यहां पे अपने कार्य पे लगे हुए हैं। और मैं बता दूं कि यह गांव जो है पीएचई मंत्री संपतिया उइके का गृह ग्राम भी है। और यहाँ पे जो है कुछ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कुछ ग्रामीण लोग हैं, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। जी, आप बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस प्रकार की बीमारी यहाँ पे फैल रही है, किस क्या हो रहा है और क्या लक्षण पाए जा रहे हैं? अभी तो मैं क्या बताऊं, क्या है वो गांव में एकदम गंदगी फैली है, उसी कारण से मेरे को लगता है कि बीमारी ये तैयार हो रही है। क्या हो रहा है, किस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं मरीजों को? उल्टी और दस्त बता रहे हैं, अपने घर ही के बाजूच में है। अभी शुरुआत में तो 2-3 घर में चालू हुआ और अभी और बीमार गिरते जा रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे कल रात से जो है यहाँ पे एक्टिव है, किस प्रकार का सहयोग प्रदान कर रहे हैं प्रशासन के साथ में और आप लोग और प्रशासन? प्रशासन कल से जानकारी प्राप्त हुई ग्राम पंचायत ठरका में कि बीमारियाँ तेजी से फैल रही हैं, तो इसके कारण से कल शाम से अपने निजी अस्पताल बम्हनी बंजर से भी कुछ डॉक्टर वगैरह आए, कल दवाइयाँ का आवंटन हुआ है। और फिर सबको रात में जानकारी मिलते ही पीएचई विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी जानकारी प्राप्त ली जा रही है जल का, जो दूषित जल है कि किस कारण से बीमारियां फैल रही हैं इस गांव में, तो सभी अधिकारी गण अभी यहां पे मौजूद हैं। क्या मानते हैं आप, पीएचई विभाग की मंत्री हैं यहां पे संपतिया उइके और उसी के गृह ग्राम में जो है ऐसी आपदा आ चुकी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? सर, कहने को तो अब मेरे को कुछ नहीं है, अब मैं तो ये जानता हूँ कि अब उनके संरक्षण में जो भी काम हुआ है यहाँ पे, अब अच्छा है कि बुरा है, जो तो अब मैं अकेला बता नहीं सकता। कारण है चूँकि अब तो यहाँ पे आती हैं अब बीमारियों के बारे में तो कोई जान नहीं सकता कि बीमारियाँ उनके कारण से थोड़ी ना फैल रही, अब दूषित जल भी हो सकता है, अदरवाइज और कोई भी कारण हो सकते हैं। चलिए ठीक है, गांव के लोगों की आपने सुनी बातें। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की ये खास रिपोर्ट। कल शाम से है ना उल्टी दस्त की जानकारी लगी कि यहाँ से कुछ मरीज जिला अस्पताल चले गए हैं, कुछ हमारे अस्पताल में आ रहे थे उल्टी दस्त के लिए, तो यही सब जानकारी लेके हम लोग यहाँ फिर आए। फिर यहाँ पे पता चला गांव में काफ़ी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी, तो लेकिन मरीज जो थे ज़्यादातर सामान्य थे, और जो गंभीर जैसे मरीज थे या उनको लग रहा था हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो तो जिला चिकित्सालय में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। कितने लोग हैं करीब और कहाँ कहाँ भर्ती है? अच्छा, भर्ती तो जिला चिकित्सालय में है और एक पेशेंट जो है अभी सीएससी बम्हनी में भर्ती है। जिला अस्पताल में कितने लोग हैं? जिला अस्पताल में कल शाम की जानकारी थी लगभग 14। उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति अभी सामान्य है। क्या कारण नज़र आया आपने यहाँ पे इतनी देर से आप खड़े हुए हैं लोगों से? हाँ जी, ग्रामीणों को कहने के अनुसार गांव वाले ये बता रहे थे कि शायद कोई पानी पीने की वजह से या पानी में जो पाइप में लीकेज होती है उसके माध्यम से जो पानी पी रहे हैं वो उसी के कारण ही, ऐसा गांव वालों का कहना है कि उसी के माध्यम से उल्टी दस्त की हो सकते हैं। आगे के प्रयास किस तरह से जारी? प्रयास आगे का ये रहेगा हमारा कि हम एक टीम बना रहे हैं, वैसे तो रात को ही टीम बना दिया सर, और गांव में अपना जो हमारा जो कर्मचारी है वो रात दिन रहता है जो लोकल यहां का है, और बाकी एक बम्हनी से भी टीम बना दी गई है ताकि वो शाम तक पूरा यहां रहे और लोगों की अगर कोई समस्या होती है तो लोगों की समस्या को दूर करे। जिला अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं क्या वो गंभीर हैं, ऐसी कुछ जानकारी में? नहीं, गंभीर की तो कल रात को तो कोई जानकारी नहीं थी। मंडला जिला अस्पताल में जो भर्ती हैं वो अभी तो फिलहाल सामान्य है। अभी तक तो 20 लोग निकले हैं, 20 मरीज, और कारण तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि पानी से हो रहा है, अगर पानी से होता तो पूरा गांव बीमार पड़ता। क्या लक्षण पाए जा रहे हैं? क्योंकि गांव पानी तो पूरा गांव का उपयोग कर रहे हैं। लक्षण क्या पाए जा रहे हैं मरीजों पे? उल्टी दस्त डायरिया उल्टी दस्त चल रहे हैं। तो क्या प्रशासन इस तरफ क्या ध्यान दे रही है, किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है आप लोगों को? पूरी टीम पहुंचा रही है, सुविधा दे रही है,
प्रशासन रात को आए थे, स्वास्थ्य विभाग वाले गोली दवाई दे रहे हैं। और क्या कह रही प्रशासन आप लोगों को, जनप्रतिनिधि वगैरह कोई आए? जनप्रतिनिधि नेता आ रहे हैं ना सर? आ रहे हैं, आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं जांच करके। क्या चाहते हैं बाप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गांव के नागरिक जल्द से जल्द ठीक हों। पानी की समस्या बता रहे हैं यहाँ के लोग बाग की, पानी पाइपलाइन फूटी हुई है, दूषित पानी पीने के कारण ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? पाइपलाइन तो अब जिस तरफ सप्लाई हो रही है वो वाला तो करवा रहे हैं सर, अब पानी तो पूरा गांव पी रहा है, दूषित होता पानी तो पूरा गांव बीमार पड़ता। पीएचई विभाग की मंत्री यहाँ पे निवास करती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके क्षेत्र में जो पानी की समस्या आ रही, पानी दूषित पानी मिल रहा है? पीएचई विभाग के संपतिया मैडम यहाँ निवास करती हैं, पीएचई विभाग की मंत्री हैं वो, यहाँ पानी की समस्या आ रही है? अभी पानी की समस्या तो नहीं है, अब यही है कि पानी से बोल रहे हैं गांव वाले कि पानी से दूषित मतलब कीटाणु हो रहा है करके, कि पानी से बीमार गिरे हैं करके, लेकिन लगता नहीं है सर कि पानी से है। डायरिया पानी से ही फैलता है? हाँ, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो हो सकता है, तो कई कई दिन वो पानी भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।